सो हेलो 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 गाइस, कैसे हो आप लोग। तो कैसे यहाँ पे देख सकते हो यार, फाइनली यहाँ पे हमारे गेम के अंदर आ चुका है M1040 का ये न्यू डार्क रोज वाला गन स्किन, जिसका रिव्यू आप लोग को मेरे चैनल पे बहुत दिन पहले से ही मिल रहा था। तो गाइस फाइनली यहाँ पे गरीना वालों ने इस गन स्किन को किसी इवेंट के अंदर ना देके डायरेक्ट यहाँ पे आर्मा स्टोर के अंदर ऐड कर दिया है। ओह माय गॉड। तो गाइस देखो, जब मैं यहाँ पे M1040 के इस न्यू गन स्किन का रिव्यू अपने चैनल पे बैक टू बैक डाल रहा था, तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे बंदे मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई मुझे भी ये अलग गन स्किन निकालना है। तो गाइस देख सकते हो यार, फाइनली हमारे सर्वर के अंदर आ चुका है ये न्यू M10 का गन स्किन। तो गाइस अगर आप लोग इस गन स्किन को निकालने जाते हो, तो गाइस इस गन स्किन को परमानेंट निकालने के लिए आप लोगों को कितने डायमंड लगेंगे, और गाइस ये वाला गन स्किन एक्चुअली में कैसा गन स्किन है, इसका रिव्यू मैं आप लोगों को अभी देने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। इस गन स्किन से मैं खेल के दिखाऊंगा सामने वाले बंदे को, सामने वाले बंदे को मार के दिखाऊंगा, और गैस उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई ये वाला गन स्किन कितने में एक्चुअली में कितना ज्यादा पावरफुल गन स्किन है। तो गैस देखो, यहाँ पे आप लोग को इस गन स्किन के अंदर डबल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिल जाता है, सिंगल रिलोड स्पीड देखने के लिए मिल जाता है, और गैस यहाँ पे मूवमेंट स्पीड को सिंगल माइनस कर दिया गया है। और गैस तुम लोग को शायद से पता नहीं होगा या होगा, मैं आप लोग को बता दूं कि गैस जो इनक्यूबेटर का सबसे टॉप का M1040 का गन स्किन है, उसके अंदर भी सेम यही एट्रीब्यूट्स देखने के लिए मिलता है। उसके अंदर भी डबल रेट ऑफ फायर है, इसके अंदर भी डबल रेट ऑफ फायर है। तो गैस अगर आप लोग को टॉप के इनक्यूबेटर के साथ इस गन स्किन का कंपैरिजन देखना है, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके देख सकते हो, या थोड़ा देर वेट करूँ मैं फिर से वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं यहाँ पे इस गन स्किन को और गैस इनक्यूबेटर के सबसे टॉप की गन स्किन को कंपेयर करके दिखाऊंगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो गैस देखो, यहाँ पर अगर बात किया रेट ऑफ फायर का, तो गैस तुम लोग को पता है कि यार M1040 के अंदर अगर नॉर्मल M1040 की बात करूँ, तो गैस उसके अंदर काफी कम रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिलता है, लेकिन गैस यहाँ पे आप लोग को इस गन स्किन के अंदर डबल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिलता है, जिसका अगर आप लोग सही से यूज करो, तो गैस देखो यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉक किया, 3 बुलेट मारा मैंने, यहाँ पे एक बंदा नॉक हो चुका है, सामने एक और बंदा, यहाँ पे देखते हो यहाँ पे इसको हेड लगा काफी तगड़ा वाला, और गैस यहाँ पे मैं एक और बुलेट मारूंगा, और गैस सामने यहाँ पे बंदा नॉक, मतलब यहाँ पे मैंने 2 बंदे को नॉक कर दिया है। और गैस अभी यहाँ पे एक और बंदा आएगा जिसको हम लोग मारेंगे, तो गैस देखना यहाँ पे एक और बंदा आ चुका है, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर 3 स्प्रे किया, मैंने यहाँ पे इसके अंदर 3 चिप लगाया है। तो गैस यहाँ पे M10 काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसका रेंज भी इंक्रीज हो चुका है, इसका रेट ऑफ फायर भी इंक्रीज हो चुका है। तो यहाँ पे हमने 3 बंदे को खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक और बंदा है, तो मेरा टीममेट इसके संग फाइट कर रहा था, लेकिन गैस मेरे टीममेट को इसने बहुत ज्यादा डैमेज दिया, और गैस यहाँ पे पूरा स्क्वाड खत्म, जलवा है हमारा। तो गैस देखो, अब मैं यहाँ पे अगर ओवरऑल बात करूँ, तो गैस ये वाला M10 काफी ज्यादा पावरफुल M10 का एक गन स्किन होने वाला है, जिसको यार टक्कर देने वाला वो M1040 भी नहीं है, और गैस यहाँ पे इनक्यूबेटर का सबसे टॉप का गन स्किन भी नहीं है, लेकिन गैस ये वाला गन स्किन काफी ज्यादा ओपी गन स्किन है। इस गन स्किन को अगर आप लोग लेने जाते हो, तो इस गन स्किन को लेने के लिए आप लोग कम से कम 1200-1300 डायमंड खर्च करने पड़ेंगे, या उससे भी ज्यादा खर्च करने पड़े, तब जाके ये वाला गन स्किन परमानेंट निकलेगा, क्योंकि गैस यहाँ पे ये वाला गन स्किन अकेले क्रेट के अंदर नहीं आता यार, इसके अंदर एक प्लाज्मा का गन स्किन भी दे दिया है। तो गैस इस गन स्किन को अगर आप लोग लेने जाते हो, तो वाला गन स्किन भी निकलेगा, ये वाला भी गन स्किन निकलेगा, और गैस ये वाला गन स्किन जब 100 दिन के लिए निकलेगा, तभी जाके ये वाला गन स्किन परमानेंट मिलेगा। तू समझा? हाँ। तो गैस आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि भाई यहाँ पे M1040 के इस गन स्किन को कितने बंदे निकालने वाले हो, क्योंकि गैस ये वाला गन स्किन स्टोर के अंदर आया है, किसी इवेंट के अंदर नहीं आया है। तो गैस निकालने का ट्राई करना, ट्रायल के लिए हो सके तो यार 4-5 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए निकाल लेना, चला के देखना कैसा लगता है, उसके बाद तुम लोग सोचना यार लेना है या नहीं लेना है। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। तो गैस चलो यार, आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, और गैस चैनल पर अगर नहीं आ रहा तो गैस हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो मुझे भी। और गैस अगर आप लोग को इस गन स्किन का कंपैरिजन देखना है यू गन स्किन के साथ, या M1040 के टॉप 10 वाले इनक्यूबेटर वाले गन स्किन के साथ, चैनल पे बने रहो, चैनल पे आप लोग को बहुत जल्द सारे वीडियो मिलने वाले हैं, और गैस पुराने वीडियो भी है, आप लोग जाकर देख सकते हो। तो गैस चलो, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को अभी थोड़ी देर बाद एक और नए वीडियो के साथ।